नहीं लग रही थी, आपकी आंखें खराब। मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है, वो है ही प्यारी, आप तो जलसी हो रही है। आपका दिमाग भी खराब है, फिर आप अपनी आंखें दिमाग दोनों चेक कर। आपने बाप को कहा मर्द बने मर्द और वापस आए अपने मुल्क में, वापस आए। यहाँ पे हमारे लीडर पे भी बड़ी FIR है, हमारे पे भी गोलियां चल रही है। मर्द बनो, वापस आओ, तुम्हारे सपोर्टर यतीमों की तरह घूम रहे हैं। मरियम कैसे मर्द बनो, मरियम कैसे मर्द बनो, मेरा नहीं मानना है ये, मेरा नहीं मानना है, आपका कैसे मानना? नहीं मानना आपका, आज मैं मनवा के जाऊंगा। नहीं क्या ऐसी की तैसी वाली बात कर रहे हैं, मुझे मनवाने वाले रह गए इसलिए क्योंकि मैं पटवारी नहीं हूँ ना, मैं उसका चमकता मुंह देखने नहीं आती ना। अच्छा, मुझे वो बैड लगती है, मैं पटवारी हूँ। हाँ। आपका दिमाग ठीक नहीं, अभी तो बताया मैंने। नहीं पटवारी मैं कैसे पटवारी हूँ, जरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाह रहे थे पहले ये बताएं? इसलिए क्योंकि आपने मुझे पिछले दफा मरियम नवाज बोला था, आपने बोला था मैं उनसे मिलती हूँ। तो ब्यूटीफुल लेडी ऑफ पाकिस्तान है, आपको भी ब्यूटीफुल कहा, ये कोई बात है करने वाली? इंसल्टिंग था मेरे लिए, आपने क्यों कहा? मैंने एक सर्जरी नहीं कराई हुई, तो इंसल्टिंग वाली क्या बात है? अब मैंने अपने जाती पैसों से नहीं कराई हुई, चोरी के पैसों से क्या करानी है? उस रोड लगा के सर्जरियां करवाई है और ब्यूटी पाकिस्तान बनी है, आप बगैर पे के ब्यूटी पाकिस्तान बनी है, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो मुझे आपने, मैं आपको क्या चोर लगती हूँ? मैंने सर्जरियां कराई हुई है। नहीं तो फिर मैंने अपने जाती पैसों से नहीं कराई, चोरी से क्या करानी थी मैंने? आपने कैसे मुझे मरियम नवाज बोला? तो मैं तो आज भी कहूंगा, आज भी आप मरियम से ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मरियम नवाज जैसी तो नहीं लगती ना मैं? पहले उस दिन मरियम नवाज जैसी ही लग रही थी। नहीं लग रही थी, आपकी आंखें खराब है। और मुझे तो वो बहुत प्यारी लगती है, वो है ही प्यारी, आप तो जलसी हो रही है। आपका दिमाग भी खराब है, फिर आप अपनी आंखें दिमाग दोनों चेक कराएं। हाँ जी, ये क्या बात हुआ, आंखें और दिमाग खराब? वो भी प्यारी, आप भी प्यारी, उसको भी अल्लाह ने बनाया, आपको भी अल्लाह ने बनाया। नहीं वो नहीं प्यारी, वो चुड़ैल डायन है, वो कहाँ से प्यारी है भाई? आप नाजरीन देख रहे हैं ना, आपने बताना है मरियम प्यारी है कि नहीं है, आपको प्यारी क्यों नहीं लगती? इसलिए क्योंकि मैं पटवारी नहीं हूँ ना, मैं उसका चमकता मुंह देखने नहीं आती ना। अच्छा, मुझे वो बैड लगती है, मैं पटवारी हूँ। हाँ। आपका दिमाग ठीक नहीं, अभी तो बताया मैंने। नहीं पटवारी मैं कैसे पटवारी हूँ, जरा बताएं? क्योंकि आपका दिमाग ठीक नहीं, जिनका दिमाग ठीक नहीं होता वो पटवारी होते हैं। अच्छा, जिनका दिमाग ठीक नहीं होता वो पटवारी होते हैं। इसका मतलब है कि 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो दिमाग से फारिग हैं? खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में 4 करोड़ पटवारी हूँ। इतने तो मरियम के फैन है ना? भी फैन है उसके, इतने ख्वाब ही होंगे, ये उसके फैन नहीं है ये उसके। अच्छा, मरियम का फैन होना अब गुनाह बन गया? ये क्या बात है? नहीं ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? आप चोरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना? मैं अप्रिशिएट तो नहीं कर रहा ना, फैन कैसे हो सकते हैं चोरों के? तो चोरों के हर बंदा चोरी चिकारी करके अपने मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करा रहे, तो बस सीधा फैन हो जाएंगे उसके। आपने वो मूवी देखी है जिसके अंदर वो जोकर होता है? जोकर की शक्ल ज्यादा अच्छी है मरियम नवाज़ वो से। जिसका ऐसे कट लगा होता है और वो बड़ी कत्लो गारत कर रहा होता है, आधी दुनिया उसकी फैन है तो वो क्रिमिनल? तो मूवी और रियलिटी में फर्क नहीं पता आपको? अच्छा, तो आप मरियम को रियलिटी कह रही हैं? मरियम नवाज भी कहेंगे, वो भी पूरी फिल्म ही है। वैसे तो सही कह रहे हैं, वैसे वो भी पूरी फिल्म ही है, तो लोग उसे फैन हो सकते हैं। हो सकते हैं फैन, लेकिन उसके फैन है ना? तो पटवारियों की कमी थोड़ी, पटवारी भी हैं थोड़े बहुत, अभी मरे तो नहीं है सारे, जिंदा हैं। आप मुझे पटवारी क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपको मरियम नवाज प्यारी लग रही थी। तो मुझे तो आप भी प्यारी लग रही हैं, अब क्या बोलेंगी आप? लेकिन मैं आपको मरियम नवाज जैसी प्यारी लग रही हूँ ना, तो इसलिए आपका दिमाग ठीक नहीं है। नहीं, प्यारी तो लग रही है ना आप, पर मैं मरियम नवाज जैसी नहीं हूँ ना, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने खुदकुशी कर लेनी अगर आपने ऐसा बोला तो, मरियम को ना प्यारा बोला तो आपने। अयो वो मुझे प्यारी लगती है, तो मेरा दिमाग अभी तक खराब नहीं हुआ ना, मैं क्यों कहूँगा प्यारी लगती है, ठीक लग रहा है आपको? तो मुझे तो आप भी प्यारी लगती हैं, फिर आप मुझे आधा दिमाग खराब है आधा ठीक है? पटवारी कट हो जाएगा। देखिए मैं प्यारी हूँ क्योंकि मैंने सर्जरियाँ नहीं कराई हुई ना, और अगर करवाऊंगी तो अपनी जाती असली से कराऊंगी, चोरी से नहीं कराऊंगी। देखें उनकी उम्र जो है ना, मेरे ख्याल से कोई 55 के करीब है। तो 55 की उम्र की तरह बिहेव करे ना, 16 साल की लड़की बन के क्यों घूमती है? तो करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं वो किस लिए खर्च किए हैं? 16 साल की बन के घूमने के लिए। हाँ तो ना करे, उसको अच्छी लगे इसलिए। सच आप जैसे क्या मतलब क्या? आप जैसे क्या ठीक नहीं, आंखें ठीक नहीं है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन वो लगती प्यारी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसी नहीं लग, मैं उसकी जैसी नहीं लगती, बेशक आपको प्यारी लगती हो, मैं क्यों लगती हूँ? लेकिन मेरा ये मानना है कि आप भी उस जैसी प्यारी लगती हैं। मेरा नहीं मानना है ये, मेरा नहीं मानना ये, आपका कैसे मानना? नहीं मानना आपका, आज मैं मनवा के जाऊँ। नहीं अभी ऐसी की तैसी आपकी, क्या ऐसी की तैसी वाली बात कर रहे हैं? मुझे मनवाने वाले रह गए, पता है हमारा रिश्तेदार है वजीर आजम, उसका बेचारे का खुद का कोई नहीं, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल सकता वो, आपका वजीर आजम। हमारी 403 सूबे हैं, हमारे पूरे मुल्क में हुकूमत है। उसको कौन 2 फुट का वजीर आजम मानता? अब नहीं उसका 2 फुट तो नहीं है ना, ये तो आप ज्यादती कर रही है ना, ये तो ऐसा तो ना करे ना। इतना सही है बस, डिग्गी में छुप जाता है कितना बड़ा होगा तो डिग्गी में छुपने से कद छोटा हो जाता है।
आप आएंगे डिग्गी में पूरे? हाँ मैं आ जाऊंगा। आप तो पटवारी यहाँ पाई जाएंगे, आप अपने लीडर को बचाने के लिए कहीं भी छुप जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे आपके, वो अकेला नहीं आ सकता। हम भी ऐसे ही जाते हैं, सफर ही डिग्गी में करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे आज के बाद सब सफर ही डिग्गी में करो, सीटें छोड़ो, गाड़ी की डिग्गी में सफर किया करो। तो डिग्गी में सफर करना कोई गुनाह है? हाँ, आपका लीडर करता है, आपके लिए नहीं है। नहीं तो आज तक बचपन में कभी आप डिग्गी में नहीं बैठी? हम ऐसे करतूते करते नहीं, डिग्गियों में छुपना पड़े ऐसा नहीं है हमारे काम। कैसी कैसी करतूत डिग्गियों में छुपने वाली? तो ये तो कुछ देखे ना अमीर। अच्छा किसी ने पीछे से बोला है कि अमीर लोग कुत्ते बिठाते हैं डिग्गियों में। हाँ तो वो भी बूट वालों का कुत्ता ही है ना बेचारा। वेरी गुड। कौन से बूट वाला? बूट तो मैंने भी पहने हुए हैं। वो जो पूरे मुल्क के मालिक है ना, उनका कुत्ता ही तो रखा हुआ उन्होंने। वो डिग्गियों में छुप छुप के वही चाटने जाता था, आपको नहीं पता था? नहीं वो डिग्गी में चुप के आपके घर तो जाता नहीं था, वहीं जाता था ना। अजीब बातें कर रहे हैं आप। मेरे घर मरियम थोड़ी रहती है जो मिलने आएगा। आपका दिल तो बहुत है उसको अपने घर रखने का, मगर वो लंदन में रहती है। भाई वो मेरी नानी लंदन में घर खरीदे हो सकता है। मैं आपको चोर नजर आता हूँ? नहीं आपकी लीडर तो है ना। नहीं लंदन में तो चोर ही घर खरीद सकते हैं, हम जैसा गरीब नहीं खरीद सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो चोरों से मत बुलाए ना मुझे, इंसल्टिंग है मेरे लिए। कौन सी इंसल्ट? क्या मुझे मरियम नवाज से मिलवाए? आपको नहीं इंटरव्यू दूंगी मैं, चले बाजे। ये क्या बात हुई, पहले 3 घंटे इतनी सिफारिश करा के तो मैंने आपको मनवाया है। क्यों नहीं नहीं दूंगा। अच्छा आप इसलिए इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको मरियम नवाज बोला था? अच्छा एक मरतबा ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ गए। अच्छा अच्छा जी, मैं एक दफा आखिरी ख्वाहिश, आप मरियम नवाज को ना आई लव यू बोल। मेरा दिमाग अभी तक ठीक है भाई, क्या हो गया आपको? मैं एवन फील्ड, मेरे सर पे बाल भी है, मुझे हवा भी नहीं लग रही मेरे सर पे। एवन फील्ड वाले फ्लैट में आपके नाम करवा दूंगा, एक दफा से बोल दें। क्यों मैं हराम की कमाई की जगह पे क्यों रहूं, पागल हूं मैं क्या? चोरी की हराम की कमाई का है, आपकी कमाई है, मेरी कमाई है, इन लोगों की कमाई है ना। फिलहाल तो पैसे तो हमारे हैं ना, हमें हमारे पहले मुल्क में लेके आओ ना, और बड़े गरीब लोगों की जरूरत है। मरियम ने कहा था कि अगर सनम जवेद मुझे आई लव यू बोलते मैं फ्लैट पूरे पाकिस्तान का नाम करवा दूं। उसने ट्वीट किया, एक एक पटवारी है ना, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा आप मुझे बार बार पटवारी क्यों कह रही हैं? क्योंकि मरियम नवाज के फैन है। अच्छा अगर मैं बोलूं इमरान खान आई लव यू फिर तो पटवारी नहीं बोलेंगे? देख के लग नहीं रहा बोलेंगे, देख के लग नहीं रहा वैसे। नहीं अगर मैं ऐसे बोलूंगा फिर तो आप पटवारी नहीं बोलेंगे? आप झूठ भी बोल सकते हैं ना। अच्छा आपको सारे लोग झूठे नजर आते हैं? आप नजर आ रहे हैं, बहरहाल फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, आपका सही नहीं है। मेरे इंप्रेशन ही ठीक नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन रिमेंस लॉन्गर। और अगर आप मरियम नवाज को आई लव यू बोल दें तो मैं इंटरव्यू यहीं क्लोज कर दूंगा, नहीं तो आज मैं आपके पीछे पीछे हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। उनको भाई लव यू बोलने वाले और बड़े हैं, मैंने बोल के क्या करना, क्या बात करते हैं। तो आप भी तो फैन वो स्टेज पे चढ़ के लव यू बोलती हैं, जवाब में भी उनको बड़े लोग बोलने वाले हैं। हाँ तो फैन फॉलोइंग है ना, उसी फैन फॉलोइंग से तो बहुत सारे लोग जेलस होते हैं। मेरे नाम पूरा पाकिस्तान भी कर रही हो तो भी ना बोलूं, क्यों बोलूं? आप बोलो तो वो तो अगली आपकी वज़ीर-ए-आज़म है। वो तो आने वाली वज़ीर-ए-आज़म है, वो ट्विटर की वज़ीर-ए-आज़म तो हो सकती है, पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकती। इतना बुरा टाइम पाकिस्तान पे नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सकती? इतना बुरा भाई भाग ही जाएगी यार, दूसरे दिन उसको वज़ीर-ए-आज़म बना के हम क्या करेंगे? इमरान खान को गोली क्यों मरवाई गई? क्योंकि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म थे, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है ना, तो उसको भी गोली मरवा दें फटाफट। नहीं हाँ। देखें वो जिसने भी मरवाई है वो इसलिए मरवाई है कि ये वज़ीर आज़म ना बने मैं बनूं। अब वो कोई भी हो सकता है, उसमें मरियम नवाज भी बन सकती है वज़ीर आज़म। नहीं वो नहीं बन सकती, वो नहीं बन सकती ना, वो नहीं बन सकती, हम बना नहीं सकते ऐसा वज़ीर आज़म। में चाहिए नहीं जो दूसरे दिन भाग जाए, हमें क्या गारंटी है उसकी भागेगी नहीं फिर से? तो उसका अब्बा भी भागता रहा है, उसका चाचा ताचा भी भागता है। बाप को भी नहीं बनना चाहिए, पूरा खानदान ही भगोड़ो का, किसी को भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो तो वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, मलका बरतानिया के नवासे पोते दोस्तों सबके साथ बैठ गए कि अगला वज़ीर आज़म हमें बनाओ। तो इनके सपोर्टर को देखना चाहिए ना, जब जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारा लीडर सबसे पहले भाग जाएगा, फिर उसकी बेटी भी भाग जाएगी। तो तुम लोगों को पागल हो क्या, तुम लोग ऐसे भगोड़े लीडर रखे हुए, तुमने मारा देखो गोली खा के भी यहीं पर ही है। बात तो है सोचने वाली, एक जुमला मरियम नवाज के लिए। अपने बाप को कहा मर्द बने मर्द और वापस आए, अपने मुल्क में वापस आए। यहाँ पे हमारे लीडर पे भी बड़ी FIR है, हमारे पे भी गोलियां चल रही हैं। मर्द बनो, वापस आओ, तुम्हारे सपोर्टर यतीमों की तरह घूम रहे हैं। मरियम कैसे मर्द बन, मरियम कैसे मर्द बन सकती है? उसका बाप को कह रही ना, मरियम तो औरत भी नहीं बनती, डायन है पूरी। अच्छा बात तो सुने, मरियम के लिए एक जुमला। बड़े बड़े साफी रिपोर्टर गोलियां खाते हैं, आज हमने बोतलें खा ली हैं मरियम आज की तारीफ करते हुए। और मुझे पूरा यकीन है कि मरियम साहिबा जब ट्वीट पे ये चीज़ देखेंगी तो पाकिस्तान आएंगी और एवन फील्ड्स के जो फ्लैट्स हैं
वो कौम के नाम करवा दें, मेरे नाम ना कराएं, इनके नाम ना कराएं, कौम के नाम करा दें। इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।